हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मुकुल और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर रोड हंटर 90 पर। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। दोस्तों आज हम आ गए हैं SD TVS पता लगाने की एंटॉर्क XT यानी कि एक्स्ट्रा टॉर्क, जो कि 125 सीसी का स्कूटर है। आपके सामने आप इसको देख रहे हो और एक अभी कुछ ही दिनों पहले TVS ने इसको लॉन्च किया और कल शाम को मुझे जैसे ही पता चला कि इनके शोरूम पर स्कूटर आ चुका है तो मैं तुरंत आ गया आपके लिए स्कूटर का शूट करने के लिए। तो आज पता लगाएंगे इस वीडियो में कि एंटॉर्क XT में इस बार आपको क्या क्या नए नए मेजर फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप इसे देख सकते हो कि इस बार कंपनी ने इस बार नियोन कलर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, तो भर भर के पूरा नियोन कलर आपको देखने को मिल रहा है। इसके जो एक्सटीरियर, जो इसका फ्रंट पार्ट है उसमें भी आप इसको देख सकते हो, जो इसका आपको मिडिल पार्ट है उसमें भी आप देख सकते हो नियोन कलर का पूरी की तरीके से इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया है। साथ ही साथ इसके मडगार्ड पर भी नियोन कलर का काफ़ी अच्छे तरीके से डुअल शेड में इसके मडगार्ड को दिया गया है। और जो इसका एक जो मेजर चेंजेस है वो आपको बता दूँ, इस बार इसके जो फैन का कलर है ना वो भी आपको इसको नियोन कलर का देखने को मिल जाएगा। तो कुछ आप इस तरीके से देख सकते हो। इसका जो फ्यूल लेट है इसको आप पीछे फिर से देख सकते हो, इसमें ये वही दिया है एज़ यूजल। और इस बार जो मेजर चेंजेस है वो है इसके आपको रिम्स अलॉय आपको नए डिज़ाइन को देखने को मिल जाएंगे। और इस बार जो मेजर चेंज है सबसे ज़्यादा वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अगर हम बात करते हैं तो मैं लेट मी शो यू, तो कुछ इस तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन होता है और आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इस साइड में आपको मिलेगा एक LCD डिस्प्ले और इस साइड मिलेगा आपको एक TFT डिस्प्ले। देख सकते हो एंटॉर्क XT का ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। इसको कंपनी इसीलिए इसको बोल रही है हाइब्रिड कंसोल, क्योंकि इसमें आपको TVS की स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ब्लूटूथ इनेबल्ड मिलेगा, इसमें आपको नेविगेशन असिस्ट भी मिल जाएगा, कॉलर आईडी भी आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलेगा, लास्ट पार्कड लोकेशन आपको इसमें आपको देखने को मिल जाएगी और एक्सक्लूसिव राइडर ऐप जो इसमें दी गई है आप इसमें इसको कनेक्ट कर सकते हो। जिसके साथ साथ आपको इसमें वॉइस असिस्ट के इसमें आपको फीचर देखने को मिल जाएगा, जो आपको 60+ स्मार्ट कनेक्ट फीचर है आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे आप इसके एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हो। साथ ही साथ इसमें बताना चाहूँगा इसमें आप अपने लाइव क्रिकेट और फुटबॉल स्कोर भी देख सकते हो, इसमें आप लाइव न्यूज़ भी देख सकते हो, AQI भी आपको कंसोल बताएगा यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। और एक जो नया फीचर आया है इस बार इसमें, इसमें आपको फूड डिलीवरी ट्रैकिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप स्विगी या जोमेटो से कहीं से भी अपना फूड डिलीवर मंगवाते हो तो आप अपने फूड को यहाँ से भी पूरा ट्रैक कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें एक रिमाइंडर मिलेगा आपके जो आपको बर्थडे रिमाइंडर के लिए और आपके स्पेशल डेज जो आपके लव वंस के हैं आप उनको उनके लिए इसको रिमाइंडर भी इसमें शो करेगा। तो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है ये, तो आप देख सकते हो सबसे पहले इसमें TVS का लोगो बन के आता है स्टार्टिंग, और इसमें आप अपना नाम भी और अपना फ़ोटो भी एडिट कर सेट कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको अगर आपका फ्यूल लो हो गया तो आपको लो फ्यूल का आपको इंडिकेट करेगा। साथ ही साथ इसमें आपको स्पोर्ट मोड, आपकी बैटरी वोल्टेज यानी 12 वोल्ट की इसमें बैटरी दी गई है वो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको लास्ट लैप के बारे में, बेस्ट लैप के बारे में जानकारी मिल जाएगी, स्ट्रीट मोड जो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल और आपका कितना पावर जनरेट हो रहा है आपको उसकी भी जानकारी इसमें देखने को मिल जाएगी। बहुत सारा फीचर्स है। अगर हम बात करते हैं एंटॉर्क XT के मिलने वाले इंजन के बारे में, तो इसमें आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक वाला फ्यूल इंजेक्टेड एयर कूल्ड स्पार्क इग्निशन इंजन में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको मिलेगा पावर 9.2 BHP का और टॉर्क जनरेट करता है जो 10.5 न्यूटन मीटर का 550 RPM पर। अगर इसके बैटरी की बात करते हैं तो आपको 12 वोल्ट की इसमें आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी। अगर इसके ऑल ओवर फ्रेम की बात करते हैं तो इसके बॉल ट्यूबुलर टाइप का आपको इसमें फ्रेम देखने को मिल जाएगा। अगर बात करते हैं इसके डायमेंशंस की तो आपकी स्क्रीन पर इसके डायमेंशंस शो हो रहे होंगे। अगर इसमें बात करते हैं इसके व्हील बेस की तो उसमें आपको 1285 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाएगा, और अगर बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो उसमें आपको 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। जो ऑल ओवर इसका वेट है वो आपको 110 kg का आपको वेट इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर इसके टायर साइजेस की बात करते हैं तो उसमें आपको 100/80/12 यानी कि आपको 12 इंच का आपको अलॉय देखने को मिल जाएगा, और इस बार के इसके जो अलॉय है उसका पूरा डिज़ाइन चेंज हो चुका है। अगर हम बात करते हैं सस्पेंशन की तो उसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक का वाला सस्पेंशन देखने को मिलेगा, और रियर में आपको टॉगलिक लिंक प्लस गैस फिलर हाइड्रोलिक डैम्पर वाला आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके ब्रिक की तो ब्रिक में आपको फ्रंट में डिस्क मिल जाएगा 220 mm का, और रियर में आपको ड्रम ब्रिक मिलेगा 130 mm का। अगर इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करते हैं तो उसमें आपको 5.8 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी वाला फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एंटॉर्क XT के डिज़ाइन की, तो कुछ इस तरीके से फ्रंट का आपको व्यू मिलेगा, बीच में आपको मिल जाएगी TVS की एक लोगो, और साइड में आपको एंटॉर्क की एक बैजिंग देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर बीच में आपको एक LED सेटअप लैम्प देखने को मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पर हैलोजन बेस के इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे,
और सेंटर कंसोल में आपको मिलेगा यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्लस्टर, और यहाँ पे आप चाबी इसको ऑन कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें इंटेलिगो टेक्नोलॉजी वाले आपको फीचर दिया गया है। इंटेलिगो टेक्नोलॉजी के बारे में तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूल इफिशियंट होता है। और इसमें एक और फीचर है, अगर आपका स्टैंड ऑन अगर ऑन रहता है बाई चांस गलती से तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और साथ ही साथ आप पीछे देख सकते हैं आपको फुटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे एंटोर का एक बैजिंग देखने को मिल जाएगा जो 3D शेप में है, और XG 125 cc का काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टिकरिंग है, और कुछ इस तरीके से इसका रियर का डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। जो इसका टेल लैम्प है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिक मिलेगा, पहले की तरह कोई चेंजेस नहीं है। और साइड में बात करते हैं, अगर इसकी हम बात करते हैं इसके किक की, तो यार इस बार आप डेडिकेटली देख सकते हो कि यहाँ से किक का ऑप्शन हटा दिया गया है, और फुट जो आपको फुटरेस्ट वाले जो आपका स्पेस है वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल यही था एक छोटा सा एक वॉक अराउंड वीडियो एंटॉर्क XT 125 यानी कि एक्स्ट्रा टॉर्क। आप अच्छे से देख सकते हैं ये है इसका ओवरऑल 360 व्यू लुक के बूट स्पेस की, तो आपको कुछ इस तरीके से इसका स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको एक चार्जर, जो रिकमेंडेड है कि आप इंजन स्टार्ट होने पर भी होने पर ही अपने मोबाइल को उस पर चार्ज पे लगाएं, और कुछ इस तरीके से इसका सारा सेटअप देखने को मिल जाएगा, और आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। दोस्तों एंटॉर्क XT में आपको 40 से 45 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देखने को मिल जाएगा, और इसकी प्राइस की बात करें तो 1,03,000 रुपये इसकी एक्स शोरूम कीमत रखी गई है। TVS की किसी भी बाइक की जानकारी, बेस्ट ऑफर्स एवं टेस्ट राइड बुक करने के लिए आप SDTVS दिशा गार्डन पर विजिट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर मिस्टर मयंक सचदेवा जी से उनसे बात करके आप किसी भी गाड़ी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल मिस्टर रोड हंटर 90। जल्द मिलते हैं एक नई राह एक नए मंजिल के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।